जी हाँ, जैसे ही हमारा नया महीना और नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है, वैसे ही हमारे भारत के सरकार के द्वारा हमारे भारत में कुछ ना कुछ परिवर्तन किए जाते हैं, राइट। तो ठीक वैसे ही हमारे भारत के सरकार ने आने वाले नेक्स्ट मंथ में, यानी कि दोस्तों 1 फरवरी 2021 से हमारे भारत में बहुत तरह के बदलाव करने वाले हैं, जिसके बारे में आपको यह जानकारी पता होना चाहिए, वरना आगे चल करके आपको ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों बता दें कि हमारे 1 फरवरी 2021 से हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करने वाली है। तो आपके बजट के दौरान कौन कौन से नए नियम लागू होने वाले हैं, इसके बारे में भी हम आपको सारी जानकारी बताएंगे। और इसके अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे भारत में 4 चीजों को हमेशा के लिए बंद कर दिया है, तो आखिरकार वो कौन कौन सी चीजें हैं, इसके बारे में भी हम आपको सारी जानकारी एकदम कांच की तरह क्लियरली समझाएंगे। अगर आप भी सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानना चाहते हैं तो बिल्कुल ध्यान से बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में और पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी असली मेहनत का फल होता है और हमारी उम्मीद बनती है आगे आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट न्यूज की जानकारी लेकर आने के लिए। तो आइए जान लेते हैं कि 1 फरवरी 2021 से हमारे भारत के सरकार ने हमारे भारत में कौन कौन से बदलाव किए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं तो आने वाले 1 फरवरी 2021 से आप पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक में खाता है और अगर आपके पास पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम है तो आने वाले 1 फरवरी 2021 से आप एटीएम से पैसे नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हाल ही में पीएनबी बैंक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर ट्वीट करके यह जानकारी सभी अपने ग्राहकों को दे दिया है। क्योंकि हमारे पीएनबी बैंक में इतने ज्यादा फ्रॉड के मामले बढ़ रहे थे, इसलिए हमारे पीएनबी बैंक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर ट्वीट करके यह जानकारी दे दिया है कि अगर आपके पास पीएनबी बैंक का एटीएम है तो आने वाले 1 फरवरी 2021 से आप एटीएम से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप पीएनबी बैंक में अपने पैसे को जमा करने भी जाएंगे तो भी आपका पैसा जमा नहीं किया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पीएनबी बैंक ने 1 फरवरी 2021 से अपने एटीएम पर और अपने पैसे जमा करने पर रोक लगा दिया है। और यह कब तक रोक लगी रहेगी अभी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि जैसी हमारे पीएनबी बैंक की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिस या कोई भी खबर आएगी तो सबसे पहले मैं अपने वाईफाई ज्ञान चैनल पर आपको जाहिर कर दूंगा। और इसी के साथ जो दूसरा हमारा बदलाव हुआ है वो हमारे मोदी सरकार ने 1 फरवरी 2021 से सभी मोबाइल नंबर वालों के लिए बड़ा बदलाव किया है। क्योंकि आने वाले 1 फरवरी 2021 से अगर आप कहीं पर भी फोन लगाएंगे तो आपको 0 नंबर डायल करना होगा। अगर दोस्तों आप बिना 0 नंबर डायल किए हुए किसी को भी फोन लगाएंगे तो आप फोन नहीं लगा पाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमारे मोदी सरकार ने सभी मोबाइल फोन नंबर पर बहुत ही बड़ा भयंकर बदलाव कर दिया है। अगर आप फोन पर बात करना ही चाहते हैं तो सबसे पहले आपको नंबर डायल करने से पहले आपको आगे 0 नंबर डायल करना होगा, तभी दोस्तों आप 1 फरवरी 2021 से किसी को फोन लगा पाएंगे। वरना अगर आप बिना 0 नंबर डायल किए हुए किसी को फोन लगाएंगे तो आप फोन नहीं लगा पाएंगे। ऐसा कुछ हमारे मोदी सरकार ने 1 फरवरी 2021 से पूरे भारत में परिवर्तन कर दिया है। और इसके अलावा जो हमारा तीसरा भयंकर बदलाव हुआ है वो हमारे मोदी सरकार ने सभी पैन और आधार पर लिंकिंग का डेट 31 मार्च 2021 तक कर दिया है। अगर दोस्तों आप 31 मार्च 2021 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपको 10,000 रुपए का पेनाल्टी भरना पड़ सकता है। तो आप इस बात का खास ध्यान रखें कि अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाए हैं तो आपके पास 1 से 1.5 महीने का समय बचा हुआ है। आप बहुत ही आसान तरीके से 31 मार्च तक पैन आधार से लिंक करा सकते हैं। तो वैसे में आप हमें नीचे कमेंट करके इतना जरूर बता दीजिएगा कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं है। अगर आपका पैन कार्ड अभी तक आधार से लिंक नहीं है तो आप 31 मार्च से पहले पहले जल्दी से अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा लीजिएगा, वरना अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाएंगे तो आपको 10,000 रुपए का पेनाल्टी भरना पड़ सकता है। और इसके साथ ही साथ जो हमारा चौथा बदलाव होने वाला है वो हमारे 1 फरवरी 2021 से हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करने वाली है। और बजट के दौरान आपके बहुत तरह के बदलाव और नए नियम जारी होने वाले हैं। फिलहाल अभी तक यह कंफर्म नहीं हुआ है कि हमारे भारत में क्या क्या बदलेंगे, लेकिन हाँ मैं आपसे वादा करता हूँ कि जैसे ही हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की तरफ से कोई भी खबर आएगी तो सबसे पहले मैं अपने वाईफाई ज्ञान चैनल पर आपको जाहिर कर दूंगा। लेकिन हाँ, आप इन 3 बातों को ध्यान रखिए जो मैं आपको खासकर इस वीडियो में बता चुका हूँ, क्योंकि आने वाले 1 फरवरी 2021 से हमारे भारत में बहुत ही सख्त नए नियम लागू होने वाले हैं। तो ऐसे में अगर आपके मन में इस खबर से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके बेहिचक पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो चलिए, इन्हीं सभी महत्वपूर्ण बातों के साथ आज का यह वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। तब तक के लिए जय हिंद, सी यू द नेक्स्ट वीडियो।